डायग्राम डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है। यहाँ इस सर्किट डायग्राम में मेंशन है कि कौन सी पिन आपको नोड एमसीयू पे कौन से पिन को कनेक्ट करनी है। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट फुल साइज ब्रेडबोर्ड। नेक्स्ट नोड एमसीयू ESP8266 CP2102 बेस्ड ये बोर्ड है, अमीका का है ओरिजिनल, आप देख सकते हैं। इसमें हम A0 पिन यूज़ करने वाले हैं सेंसर को इंटरफेस करने के लिए। नेक्स्ट हार्डवेयर कंपोनेंट है रेजिस्टर, 330 ओम का रेजिस्टेंस हम यूज़ कर रहे हैं एलईडी के लिए, एलईडी को कंट्रोल करने के लिए। एलईडी के लिए जो वोल्टेज जो आ रहा है वो 3.3 है, तो उसे ड्रॉप करने के लिए हमने 330 ओम का रेजिस्टेंस यूज़ करना है। नेक्स्ट कंपोनेंट है एलईडी, मैं जो यूज़ कर रहा हूँ एलईडी वो पिंक कलर की है, आप कोई भी ले सकते हैं। रेजिस्टेंस 10 किलो ओम, सेंसर को हमें डिज़ाइन करना है, लाइट सेंसर को हमें डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए हमें 10 किलो ओम के रेजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट कंपोनेंट LDR लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, ये ऐसा रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू वैरी होती है, तो ये LDR यूज़ करके हम लाइट सेंसर डिज़ाइन करने वाले हैं। और लास्ट जो हम है यूज़ करने वाले कंपोनेंट वो है मेल टू मेल जंपर केबल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम नोड एमसीयू को ब्रेडबोर्ड पर इस तरह से फिट करेंगे। देखिए ऊपर से और नीचे से एक रो छूटनी चाहिए ताकि हम जंपर केबल्स को कनेक्ट करें। उसके बाद LDR के दो टर्मिनल से, इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं रहता है क्योंकि ये रेजिस्टर ही है जो लाइट पे डिपेंड रहता है। उसके बाद एक 10 किलो ओम का रेजिस्टर जिसकी वैल्यू है ब्राउन ब्लैक ऑरेंज, इसका एक टर्मिनल LDR के एक टर्मिनल के साथ शॉर्ट करना है। देखिए ठीक है, दोनों को कॉमन कर दिया। इसी तरह से आपको कनेक्शंस करने हैं। नेक्स्ट LED जो टर्मिनल बड़ी है वो पॉजिटिव है और जो छोटी है वो नेगेटिव है, तो इस तरह से हमें कनेक्ट करना है। उसके बाद रजिस्टर हमें कनेक्ट करना होगा पॉजिटिव टर्मिनल पे, आप नेगेटिव भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मैंने LED के पॉजिटिव को कनेक्ट किया है। अब ये कनेक्शन ऐसे हो गया है, दोनों में आपको काफ़ी डिस्टेंस दिख रहा होगा क्योंकि LED मैंने बहुत दूर लगा दी है और LDR लेफ्ट साइड में नोड MCU के नज़दीक लाया। इसके पीछे रीज़न ये है कि जैसे अगर आप कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, जैसे हम इसमें बना रहे हैं कि जब अंधेरा होगा तब लाइट ऑन होना चाहिए, तो उस केस में क्या होगा कि जैसे अंधेरा होगा तो लाइट ऑन होगा, तो वही लाइट इस LDR पे पड़ जाता है जिससे एबनॉर्मल बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा। तो उस केस में हमें दोनों को थोड़ा सा दूर लगाना पड़ेगा। जो LDR की फर्स्ट टर्मिनल है वो हमें कनेक्ट करना है 3V3 पे, 3V3 जहाँ से हमें मिलता है 3.3 वोल्ट। उसके बाद रजिस्टर का जो एक टर्मिनल है वो हमें कनेक्ट करना है ग्राउंड पे, और जो बचता है कौन सा टर्मिनल, रजिस्टर और LDR का जो कॉमन है वो हमें कनेक्ट करना है A0 पे, वहीं से हमें रीडिंग्स मिलेगी। जैसे वीडियो में दिया बिल्कुल वैसे ही कनेक्शन आपको करने हैं। नेक्स्ट LED का मैं निगेटिव कनेक्ट कर रहा हूँ, वो हमें ग्राउंड पे कनेक्ट करना है, और जो पॉजिटिव है मतलब जो रजिस्टर वाली जो पिन है वो हमें कनेक्ट करनी है डिजिटल पिन पे। तो D0 से लेकर D8 इतने डिजिटल पिन्स अवेलेबल है, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ D1 पे कनेक्ट किया है, देखिए D1 पे मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब बची हमारी प्रोग्रामिंग, तो प्रोग्रामिंग हम एकदम डिटेल में करने वाले हैं, तो आप लास्ट तक उसे ज़रूर देखिए। प्रोग्रामिंग, जैसे कि आपको पता है कि हमने LDR जो है लाइट सेंसर जो हमने डिज़ाइन किया है वो हमने कनेक्ट किया है A0 पे क्योंकि वो एनालॉग सेंसर है, और दूसरा जो एक हमने LED कनेक्ट की है क्योंकि यहाँ हम एक एप्लीकेशन करने वाले हैं कि जैसे अंधेरा होगा तो वो LED ऑन होनी चाहिए। तो हम पहले LED की प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे, हम सबसे पहले सिर्फ LDR की ही प्रोग्रामिंग करेंगे। LDR की प्रोग्राम अपलोड करके हम पहले ऑब्जर्वेशंस लेंगे क्योंकि हमें चेक करना है कि वैल्यू कितनी आती है, जब अंधेरा होता है तो क्या वैल्यू आती है, उसी के बेस पे हम LED की प्रोग्रामिंग करेंगे। वॉइड सेटअप सीरियल डॉट बिगिन क्योंकि हमें सीरियल कम्युनिकेशन करना है
एलडीआर की वैल्यू जो रीड होगी, जो हम सीरियल डॉट प्रिंट करेंगे वो हमें रीड करना है सीरियल मॉनिटर पे, तो उसके लिए हमें नोड एमसीयू और इस सिस्टम के बीच सीरियल कम्युनिकेशन करना होगा। उसकी स्पीड रहेगी 9600 बीट्स पर सेकेंड, ये स्टैंडर्ड स्पीड है। पिन मोड, अगर हम एनालॉग सेंसर या एनालॉग एक्चुएटर्स पे काम करते हैं तो उसमें आपको पिन मोड सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर आप करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंसर है इसलिए इनपुट, मैं इसमें एलईडी का कोड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको वो बाद में बताता हूँ। वॉइड लूप, इंटीजर रॉ डेटा, रॉ डेटा जो रहेगा जिसमें एलडीआर की करंट वैल्यू आएगी। तो एनालॉग सेंसर है तो हमने क्या करेंगे इसमें एनालॉग रीड, कौन से पिन से हमें रीड करना है, A0, तो A0 हमने ऑलरेडी इनिशियलाइज किया है एलडीआर पिन में। उसके बाद हमें इस वैल्यू को चेक करना है, तो सीरियल डॉट प्रिंट ln क्या वैल्यू आती है वो हमें चेक करना है। तो सीरियल डॉट प्रिंट ln रॉ डेटा, क्योंकि एनालॉग रीड से जो भी डेटा आएगा उस पिन से वो इसमें स्टोर होगा। तो मैं बता देता हूँ वो एडीसी वैल्यू रहेगी, 0 से लेकर 1023 तक की वैल्यू आपको मिलने वाली है एनालॉग वैल्यू। तो इसे हम प्रिंट करेंगे, डिले हमें देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप डिले नहीं दोगे तो वो फुल स्पीड में लूप चलेगा तो आप रीड नहीं कर पाओगे। तो ये हो चुका है कोड, हम पहले ऑब्जर्वेशंस लेंगे, हमें दो ऑब्जर्वेशंस लेने हैं, अंधेरा जब होता है तब क्या वैल्यू आती है और जब लाइट ऊपर से आती है तो क्या वैल्यू आती है। अपलोड करने के लिए आपको बोर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा, नोड एमसीयू 1.0 12E ESP12 मॉड्यूल इसमें लगा हुआ है। उसके बाद पोर्ट हमें सिलेक्ट करना होता है, अपलोड स्पीड आप मैक्सिमम सिलेक्ट करिए 9216 00, उसके बाद पोर्ट COM3, ठीक है, ये तीन सेटिंग्स आपको करनी है, बाकी सेटिंग्स को छेड़ना नहीं है। अब मैं इसे कर रहा हूँ अपलोड। तो गाइस चेक करिए वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है 951 952 के आसपास, ये वैल्यू आ रही है, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर लाइट पड़ रही है तो मैंने ऊपर से लाइट ऑन किया है। अगर मैं उस लाइट को कम कर देता हूं तो आप देखिए वैल्यू कम कम होते जाती है। देखिए अब 500 के आसपास ये वैल्यू आ रही है, फिर से मैं लाइट कर रहा हूं तो वैल्यू बढ़ रही है, लाइट में थोड़ा दूर लेके जा रहा हूँ तो वैल्यू कम हो रही है। अगर हम इसे अंधेरा करते हैं, कंप्लीट डार्क मैंने किया है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ वैल्यू बिल्कुल 30 के नीचे आ रही है। अगर मैं लाइट ऑन करता हूँ बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है और कम हो रही है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन हमारा ये है कि जब 100 के नीचे जब होती है वैल्यू तब हमें एलईडी को ऑन करना है, मतलब जैसे रात हो जाएगी तो लाइट ऑन होनी चाहिए, ठीक है। तो हम 100 का थ्रेशोल्ड मान के चलते हैं एवरेज। तो ये ऑब्जर्वेशन का हो गया था, अब हमें उस एलईडी को कंट्रोल करना है जो हमने पिन नंबर D1 पे कनेक्ट की है। तो कांस्टेंट इंटीजर एलईडी इक्वल्स टू D1, और हमें एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा थ्रेशोल्ड। तो थ्रेशोल्ड हमने सेट किया है 100, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कितना आपको इंटेंसिटी रखनी है उसके ऊपर है। अब हमें एलईडी ऑन करनी है, सेंसर की वैल्यू इसमें स्टोर हो रही है, हम इस पर क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे, इफ रॉ डेटा लेस देन 100, अगर रॉ डेटा 100 से कम हो जाता है इसका मतलब क्या है कि अंधेरा हो चुका है, हमें एलईडी को ऑन करना है। ये हो गया एलईडी ऑन, अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स में हमें लिखना है डिजिटल राइट, क्योंकि डिजिटल सिग्नल करना है, एक तो हाई या फिर लो, एलईडी कॉमा लो, ये हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से हम डिले कम कर देंगे ताकि रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाए, 10 का मैंने डिले दे दिया है। अब मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ, कोड अपलोड हो चुका है, अब आउटपुट चेक करते हैं।